हेलो चिल्ड्रन, वेलकम फॉर द फोर्थ स्टैंडर्ड ऑनलाइन स्टडी. सब्जेक्ट EVS 1, चैप्टर नंबर 6, वैरायटी इन फूड. वैरायटी मींस आपके फूड में आप सिर्फ एक ही फूड रोज नहीं खाते हो, अलग अलग चीज़ खाते हो. वेजिटेबल खाते हो, कभी मीट्स खाते हो, चिकन खाते हो, राइस, चपाती, सलाद, कभी उसमें स्वीट डिश. तो उसको बोलते हैं वैरायटी, मतलब अलग अलग डिशेस. तो वैरायटी इन फूड्स वी विल लर्न. नाउ यू कैन सी देर इज़ वन टेबल. इन दिस टेबल यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेन और वेजिटेबल. फर्स्ट वाला क्या है, राइस. एक राइस से आप कौन कौन से डिशेस बना सकते हो, भाकरी, इडली, राइस, पुलाव, बिरयानी. सो नंबर ऑफ डिशेस बनता है सिर्फ एक ग्रेन से. कौन सी ग्रेन से, सिर्फ राइस से. मतलब राइस से एक डिश बनती है. सिमिलरली अगर आप एक देखोगे कि एक अपने समझो वेजिटेबल ले लिया, तो वेजिटेबल को आपको भी आप अलग अलग तरीके से कुक करके बनाते हो. एक पटैटो अगर आपने ले लिया, तो पटैटो के कितने सारे वेजिटेबल्स बनते हैं, पटैटो के पराठे बनते हैं, पटैटो बच्चों को बॉईल करके मैश करके देते हैं. तो इस तरीके से एक ग्रेन या एक वेजिटेबल से बहुत सारी डिशेस बनती है, ये बताया गया है. ओके, नाउ हियर ऑल्सो दिस टेबल इज़ फॉर एग्जाम्पल ओनली. कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ फ्रेंड. मतलब एक अपना लिस्ट बनाओ, फिर एक अपनी फ्रेंड की बनाओ कि एक राइस से तुम्हारे यहाँ पे क्या क्या कुक होता है, फिर आपके फ्रेंड के घर से राइस में क्या क्या कुक होता है. जैसे आपके घर में सपोज भाकरी, इडली, डोसा, इडली, राइस, एंड आपके फ्रेंड्स के घर में मोदक, डोसा. सो यू कैन डू के मतलब एक राइस से कितने डिश बनते हैं. दिस इज़ एन एक्टिविटी. ओके, नाउ सी, यूज़ योर ब्रेन पावर. इन एवरी रीजन देर इज़ वन स्टेपल फूड. वॉट इज़ द रीज़न फॉर दैट. स्टेपल मतलब मेन फूड. हर एक ग्रेन को ग्रो करने के लिए एक स्वेटेबल क्लाइमेट, स्वेटेबल सॉइल की ज़रूरत होती है, जो हर रीजन में अलग अलग होता है. हर प्लेस का एक अपना सॉइल होता है, अपना क्लाइमेट होता है, जो हर सॉइल को अलग अलग, हर ग्रेन को अलग अलग क्लाइमेट और सॉइल चाहिए होता है. इसलिए एवरी रीजन हैज़ वन स्टेपल फूड. मतलब हर रीजन का एक मेन फूड होता है. जैसे कोई रीज़न में राइस ज़्यादा ग्रो होता है, कोई रीज़न में वीट होता है, कहीं पे शुगर केन ज़्यादा होता है. क्यों? चूँकि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का सॉइल उस क्रॉप के लिए स्वेटेबल रहता है. तो इसके लिए वहाँ का है स्टेपल फूड बन जाता है, मतलब मेन फूड. व्हाई डज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल वेरी अकॉर्डिंग टू द रीज़न. अब स्टेपल जब रोज रीज़न में ज़्यादा होगा जो क्रॉप्स, तो आपको वहीं का स्टेपल फूड बनेगा. तो पब्लिक भी जो उसको, वहाँ के जो पीपल है उसी को ज़्यादा प्रिफर करेगी. ओके, तो उसको स्टेपल फूड बोलते हैं. स्टेपल फूड मतलब मेन फूड. नाउ देखो, दिस इज़ अ एक इंडिया का आपको एक मैप दिख रहा है. और मैप में देखो, ये वाले साइन से पता चलेगा कि राइस है, ये वाले से पता चलेगा वीट है, और ये वाले से पता चलेगा जवार है. अब आपको अलग अलग प्लेसेस दिख रही है, आपको पता चलेगा कि कौन सी प्लेस में राइस ज़्यादा हो रहा है, कौन सी प्लेस में वीट ज़्यादा हो रहा है, कौन से प्लेस में जवार है. ओके, तो ये आपको ऐसा पता चल रहा है. यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और ये पूरे इंडिया का मैप है. तो आपको पता चलेगा कि कौन से स्टेट्स में, कौन सी प्लेस में कितना कौन सा क्रॉप्स उग रहा है. ना ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन द कंट्री. अब यहाँ पे बता रहा है कि देख लो, आप अपना मैप देख लो और कौन से कंट्री में कितना कितना, सॉरी, कौन से स्टेट्स में हमारे कितने कितने क्रॉप्स उग रहे हैं. ओके, यही बताया गया. तो अगर आपको इस मैप की प्लेसेस पता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से, जैसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, तो वहाँ पे कौन सा है राइस ज़्यादा है. फिर नीचे आप देखोगे बे ऑफ बंगाल की साइड पे कौन सा है, तो यहाँ की बाउंड्री पे भी पूरा राइस है. तो ऐसे अलग अलग प्लेस पे अलग अलग क्रॉप्स उगते हैं. ओके, सो दिस इज़ द मैप. मैप से आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्लेस से कितना कौन क्रॉप्स ज़्यादा उगता है. Now turn the page. Now see, here is a new term, agriculture. Agriculture is the main occupation in all part of a country. It is mainly dependent on rainfall. The rainfall received in all region is not the same. In the region of high rainfall, crops such as rice, coconut, ragi and barley are grown. Wheat, too, soya beans are grown in the region of moderate rainfall. Jawar, bajra and mote beans are grown in the region of low rainfalls. To help crops to grow well, seed, good seeds, fertile soil, sufficient sunlight and water are needed. According to the season, variety of grain, fruits and vegetables are grown in the country. Means apni country, India mein agriculture is the main occupation. Main occupation matlab main kaam. Agriculture matlab farming. खेती बाड़ी ही हमारे कंट्री का मेन ऑक्यूपेशन है. और ये ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल. अगर बारिश अच्छी होगी तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होंगे, बारिश अच्छी नहीं होगी तो क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे.
अब क्रॉप्स भी रेनफॉल के जैसा हिसाब से होती है, अगर जैसा जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है मतलब हाई रेनफॉल, तो वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं, राइस, कोकोनट, रागी, ये सब ग्रो होते हैं। जहाँ पे मॉडरेट मतलब मीडियम रेनफॉल, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, तो वहाँ पे वीट, तूर, सोयाबीन। अब जहाँ पे लो रेनफॉल होती है एकदम कम, वहाँ पे ज्वार, बाजरा, मोद, ये सब ग्रो होती है। मतलब हर क्रॉप रेनफॉल के हिसाब से भी ग्रो होते हैं। अगर ज़्यादा रेनफॉल चाहिए तो वो जो क्रॉप्स को ज़्यादा रेनफॉल चाहिए वो ज़्यादा रेनफॉल वाले एरिया में ग्रो होंगे, जिसको कम रेन की ज़रूरत से ग्रो होता है वो कम रेनफॉल वाले में ग्रो होंगे, लो रेनफॉल में। सिर्फ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए रेनफॉल ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको गुड सीड्स यानी अच्छी बीज, फर्टाइल सॉइल यानी सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होना चाहिए, जिससे क्रॉप्स ईजिली ग्रो हो सके। सफिशेंट सनलाइट, अच्छी धूप आना चाहिए, एंड वाटर आर नीडेड। मतलब एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए, एंड इट शुड बी स्विटेबल एंड वेरी ऑफ गुड क्वालिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू द सीज़न, आप हर सीज़न में आपको पता अलग अलग ग्रेन्स, अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगते हैं। कोई आपको पता है कि कोई सीजन में ये फ्रूट ज़्यादा आता है, कोई सीज़न में वो फ्रूट ज़्यादा आता है। ना यहाँ पे एक वेजिटेबल सेलर फ्रूट सेलर है जिसके पास अलग अलग फ्रूट है। ये आपको एक एक्टिविटी जैसा है कि विजिट अ लोकल फ्रूट सेलर, यानी एक फ्रूट जो आप फ्रूट सेलर मतलब जो बहुत सारे फ्रूट्स बेचता है उसके पास जाओ और आप उससे ये सब क्वेश्चंस पूछो कि विच फ्रूट्स आर सोल्ड ऑल अराउंड द ईयर, ऐसा कौन सा फ्रूट्स है जो पूरे ईयर ग्रो होता है, तो बनाना। ओके, तो आपको एक लोकल फ्रूट सेलर के पास जाके आप ये सब क्वेश्चन पूछोगे कि कौन सा फ्रूट्स आपको पूरे ईयर मिलता है, तो आपको ये पता कि बनाना फ्रूट्स है जो अवेलेबल मिलता है। अब ऐसा कौन सा फ्रूट्स है जो हर सीज़न नहीं मिलता, अभी कुछ फ्रूट्स होते हैं जो आपको हर सीज़न में नहीं मिलते, जैसे नॉट अवेलेबल इन रेनी सीज़न, रेनी सीज़न में ऐसा कौन सा फ्रूट है जो नहीं आता है, और कौन सा फ्रूट जो है वो ज़्यादा समर सीज़न में आता है, तो मैंगो। विच फ्रूट्स आर सोल्ड इन समर, इन विच सीज़न आर फ्रूट्स अवेलेबल इन प्लेंटी, ऐसा कौन सा सीज़न है जब हम लोग को बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, तो वो विंटर सीज़न है। इन विच सीज़न डू वी गेट फ्यूअर फ्रूट्स मतलब कम फ्रूट्स, तो वो समर सीज़न है। ना अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स वराइट अकॉर्डिंग टू द सीज़न, डिफरेंट फ्रूट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन, आपको पता है कि हर सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स आते हैं। जैसे अभी विंटर सीज़न में आप देखते हो कि एक अलग फ्रूट्स आते हैं, फिर आप देखते हो कि समर सीज़न आता है तो उसमें एक अलग फ्रूट्स है, रेनी सीजन के लिए अलग फ्रूट्स है। मतलब फ्रूट्स आप देख सकते हो जब आप बाज़ार में जाओगे मार्केट में कि फ्रूट्स भी मतलब अलग अलग सीजन के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। जैसे ग्रेप्स का एक सीज़न होता है, फिर आप देखते हो कि मैंगो का एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, तो वैसे ही सीजन्स के हिसाब से भी फ्रूट्स आते हैं मार्केट में। नाउ लुक एट द फ्रूट्स इन द पिक्चर, मेक अ टेबल एज शोन बिलो ऑफ द फ्रूट दैट आर अवेलेबल इन ईच सीज़न, इंक्लूड द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स यू नो इवन इफ दे आर शोन इन द पिक्चर। अब ये सारे फ्रूट्स हैं और आपको उसको समर सीज़न, रेनी सीज़न और विंटर सीज़न में आपको उसको डिवाइड करना है कि आपको ये, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, आपको खुद सर्च करना है कि कौन सा फ्रूट्स कौन से सीज़न में ग्रो होता है और आपको ये कंप्लीट करना है एक्टिविटी। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज है, जैसे कि यहाँ पे है फेमस फूड आइटम महाराष्ट्र एंड नेबरिंग स्टेट, ये एक महाराष्ट्र का मैप है, महाराष्ट्र में जो अलग अलग छोटे छोटे प्लेसेस है उसमें कौन सा आइटम फेमस है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि रत्नागिरी में ऐसा सर्कल करके बताया गया है कि राइस भाकरी है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे लातूर में दपट्टे लिखा हुआ है, फिर एक अहमदनगर में लिखा है जवार भाकरी। तो यहाँ पे अलग अलग प्लेस के जो फेमस फूड्स है वो आपको ये मैप में बताया गया है, तो यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड कि कौन से प्लेस का कौन सा है। प्लेस के नाम उसके बाजू में ही लिखा हुआ है और उसके आजू बाजू ये भी लिखा है, जैसे सोलापुर में जवार और भाकरी, संकली में क्या लिखा है एप, तो इडली डोसा, जैसे ये साइड के कर्नाटक की ये साइड से आपको दिख सकता है कि क्या क्या मिल रहा है। फिर गोवा में, जैसे गोवा एक पूरा वाटर एरिया है, तो वहाँ पे फिश, राइस, प्राउन, कड़ी, ये सब फेमस है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सी प्लेस के कौन सी प्ले फूड आइटम फेमस है। नाउ सी द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन एनी रीजन इज यूज टू मेक वेरियस आइटम फॉर एग्जाम्पल जवार इज यूज इन अ लार्ज स्केल इन अ प्लेटू रीजन इन महाराष्ट्र, खुर्दा, लया, भाकरी, गुलिया, पापड़, अम्बिल एक्सेट्रा प्रिपेरेशन ऑफ जवार। अब एक जवार मतलब एक एग्जाम्पल दिया है कि हर रीजन में कोई एक चीज़ ज़्यादा उगती है, जैसे मैंने आपको राइस का बताई तो राइस से इतनी सारी डिश बनती है, वैसे जो प्लेटू रीजन रहता है वहाँ पे जवार ज़्यादा ग्रो होता है, तो जवार से क्या बनता है, हरदा बनता है, लाइया बनता है, भाकरी बनती है, पापड़ बनता है, एक्सेट्रा बहुत सारी डिशेज बनती है।
अब इन कोंकण और कोस्टल एरिया, राइस, कोकोनट, कोंकण मतलब आप देख सकते हो वो सी साइड का एरिया रहता है, रिवर्स सी वाटर साइड का, तो वहाँ पे कोकोनट ट्री बहुत सारी बड़ी बड़ी रहती, तो कोकोनट रहेगा तो कोकोनट ऑयल भी ज़्यादा रहेगा और वहाँ पे राइस इंपॉर्टेंट रहता है। अब सेंट्रल महाराष्ट्र में जवार, बाजरा, ग्राउंडनट, ये सब चीज़ें, मतलब हर रीजन का, हर प्लेस का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर, या हम बोल सकते हैं एक स्टेपल ग्रेन होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में उगता है और वहाँ के रीजन के लोग वो डिश, वो क्रॉप से ज़्यादा डिश बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस लेसन में। और इस तरीके से हमारा फूड वैरायटी हो जाता है। हम अपने फूड में एक वेजिटेबल खाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, फिर एक चपाती, चपाती व्हीट से बनती है, फिर राइस लेते हैं, फिर उसमें पापड़ लेते हैं, कर्ड लेते हैं, मतलब एक वैरायटी हमारे एक फूड में, एक डाइट में हम इतने वैरायटी ऑफ चीज़ खाते हैं। फ्रूट्स भी हम जो खाते हैं वो सीजन्स के अकॉर्डिंग में खाते हैं, जैसे जैसे जो सीजन में जो फ्रूट अवेलेबल रहता है वो फ्रूट खाते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव लर्न इन दिस लेसन, कि हर रीजन का एक अपना स्टेपल फूड होता है और वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए एक सुटेबल क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, ये सब की नेसेसरी होती है, नेसेसिटी रहती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर नंबर 6, वैरायटी इन फूड। थैंक यू।